नमस्कार, हलचल लखीमपुर में आपका स्वागत है। पेश है नगर जिले की तमाम सारी खबरें। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माय लखीमपुर को एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट वीडियोस। नगर में गणेश पूजा महोत्सव की चारों तरफ धूम है। विभिन्न स्थानों पर गणेश पूजा के आयोजन किए गए हैं। प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। सदर तहसील के मिलपुरवा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में पहुंचे दुग्ध विकास मंत्री ने चौपाल में बाढ़ पीड़ितों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं से शासन जानकारी में है और उनका शीघ्र स्थायी समाधान के लिए प्रयासरत है। इस मौके पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को किटों का वितरण भी किया। इस मौके पर डीएम आकाशदीप, पुलिस अधीक्षक एस चन्नप्पा, विधायक मंजू त्यागी, विधायक योगेश वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। गुरु नानक इंटर कॉलेज लखीमपुर के नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन पूर्व सांसद जफर अली नकवी ने किया। इससे पूर्व इस सभागार में सुखमनी साहब के पाठ और शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया। आगामी 2 सितंबर को ईद उल जुहा त्यौहार को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन ने पीस कमेटी का आयोजन किया, जिसमें डीएमएसपी ने सभी से आपसी सद्भाव से इस त्यौहार को मनाने की अपील की। उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ ने ऑब्जर्वर श्याम मनोहर मिश्रा की मौजूदगी में एक ज्ञापन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा। इस दौरान जिला अध्यक्ष बाल विनोद चतुर्वेदी, मंत्री प्रदीप श्रीवास्तव सहित तमाम संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। जिला चिकित्सालय में मरीजों को आ रही समस्याओं को लेकर पूर्व सांसद जफर अली नकवी की अगुवाई में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल सीएमएस से मिला। इससे पूर्व जिला चिकित्सालय में ही कांग्रेस द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। पटरी दुकानदारों ने डीएम को मिलकर एक ज्ञापन दिया और पथ विक्रेता समिति के गठन की मांग की, जिस पर डीएम ने उनको एक सप्ताह में पूरा करने का आश्वासन। हलचल लखीमपुर में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद। mylakhimpurkhiri.com से संजीव पाहवा। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माय लखीमपुर को एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट वीडियोस।